बरनाला जिले के पिंड पठना के एक नौजवान का कनेडा दे विच कतल होने का मामला सामने आया है। घटना कैनेडा के एडमिंटन सूबे विच घटी है। पिंड पठना का 19 साल का नौजवान हरमनजोत सिंह करीब 2 साल पहला पढ़ाई बेस के उपर अपने चंगे भविख के लिए कनेडा गया सी, जिथे मृतक की मासी और मासड़ का घरेलू झगड़ा चलता सी। मासी की मदद कर गए हरमनजोत सिंह का उसके मासड़ के वलों गोली मार के कतल कर दिता गया है और मासी भी जख्मी हो गई है। मृतक नौजवान के घर पिंड पठना के सोग की लहर है। हरमनजोत सिंह की माँ के पिता का रो रो के बुरा हाल है। हरमनजोत सिंह माता पिता का इकला पुत्र सी। हरमन की माँ और रिश्तेदारों के वलों उसके कातल को सख्त सजा देने के लिए कनेडा और भारत सरकार तो मांग की जा रही है। हरमन की मृतक देह को पिंड लियाने के लिए दोहां देशों की सरकार को मदद की अपील की गई है। मेरा बेटा 2 साल पहला स्टडी करने लिए कनेडा गया सी। मैं चंगे भविख के लिए कनेडा स्टडी करने के लिए भेजा सी। कनेडा 2 साल पहला स्टडी वीजे ते गया सीगा, तो एडमिंटन कनेडा के एडमिंटन शहर के गया सीगा पढ़ने के लिए चंगे भविख के लिए। गलबात उहदी मेरी डेली होंदी रहिंदी सी। बहुत इकलौता बेटा सी मेरा, जो मेरे ढिड नूं अज अग लगी हुई है। मैं चाहुंदी हां किसे दे वी ना लगी जावे। मेरे रिश्तेदारां दे कोल ही गया सीगा, उत्थे अपनी मासी दी हैल्प करन दित्ता सी। जिस टाइम उहदे नाल इह घटना वापरी हैगी, उह मासी भाणजा गड्डी दे विच जा रहे सीगे, जो उहदा रिश्तेदारी दे विच, मैं मासड़ नहीं कहूंगी हुण तां, उह जिन्ना इक तरह दा मेरे लई, जिन्हें मेरे पुत्र का कतल किया। वो बहुत ही धनाड़ बंदा है, जिहड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा, पर मैं नहीं चाहती भी वह उन्हें सज़ा सख्त तो सख्त मिलनी चाहिए और इंसाफ मैनू मिलना चाहिए। मैं कनेडा सरकार तो और कनेडा सरकार के जो एडमिंटन भाईचारा है वो को हथ बन के मेरी यही बेनती है कि वह वो मैं इंसाफ दवा। कनेडा सरकार भी मैं इंसाफ दवा वो तो वह, तो एडमिंटन वसदा पंजाबी भाईचारा भी मेरी वो तो वह मदद करे, उसनों सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। उसने बड़ी बेरहमी मेरे पुत्र का कतल किया, जो कि अज मैं बहुत ही दुखी हाँ। मेरे लिए इकलौता बेटा से मेरा, मेरे लिए कुछ नहीं बचा अच इतने, वो तो बिना मेरी अज जिंदगी उजड़ गई, दुनिया उजड़ गई मेरी, मेरा कुछ नहीं रहा। बस मैं हुण आखिर तो यही चाहनी हैगी कि उस गमदूर सिंह ना दे बंदे नूं सख्त तो सख्त सज़ा दवाई जाए। कनेडा सरकार ते एडमिंटन दा पंजाबी भाईचारा घटना जान बुझ के पति पत्नी दा झगड़ा सी उन्हां दा, मेरे बेटे नूं नहीं सी पता, वह अणभोल सीगा, वह एक उन्हूं नहीं सी पता कि इन्हां दा झगड़ा है। वह अपनी मासी नूं मिलन गया सी, ते मासी नूं मिलन वास्ते लै दोनों जा रहे सी, मासी भांजा उहदे घर वाला बस जो हैगा सी, वह अपनी घर दी घरवाली नाल उहदा डिस्प्यूट सीगा, लड़ाई झगड़ा सी मेरे बेटे नाल उहदा, कोई नहीं मेरे बेटे नूं तां पता भी नहीं सीगा कि वी उह ये कुछ हो जूगा। उन्हें मगर जानबुझ के गड्डी ला के मेरे बेटे की गड्डी का पेंचर करके जानबुझ के उन्हें मेरे बेटे का कतल किया है और अपनी घरवाली का भी कतल करता सी। इहो जिहे बंदे नूं मैं मंग करदी हां कि समाज के भी लई भी वह बंदा कलंक है, क्योंकि जदों उन्हें अपने रिश्तेदार ना अपनी पत्नी नहीं बख्शी तो वह होर किसी की बख्श सकता। बस मेरी यही उम्मीद है कि मैनू मेरे नाल खड़ोगे सारा पंजाबी भाईचारा ते कनेडा सरकार। एक दूसरी मंग है कि मेरे बेटे की डेड बॉडी है जी पंजाब दे विच जल्दी तो जल्दी भेजी जाए, तां कि मैं अपने बेटे की साथी नाल ला के लाश नूं साथी नाल ला के उहदे इंडियन संस्कारां दे हिसाब नाल उहदा संस्कार किया जा। सानूं शुक्रवार की रात 2 बजे पुलिस वालों का कॉल आई है कि तुहाडे बेटे नूं किसी ने शूट करता, उहदी एट दी स्पॉट डैथ हो गई। उन्होंने सानू 2 फोन नंबर दिते कि तुसी आ फोन नंबर ते संपर्क करो। जब असी उस फोन नंबर ते संपर्क किया तो उत्थों दे एक डॉक्टर ने कहा भी मैं डॉक्टर बोल रहा तो बच्चे की डेड बॉडी साढ़े को आ गई है, तुसी इहदे बारे कोई इनफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो गल करो। तो असी उन्होंने तो इंटरप्रेटर की मंग की, इंटरप्रेटर अवेलेबल नहीं सीगा। जिन्नी कु भी असी उन्हां नाल गल कर सके तो सानू यही पता लग्या कि साडा बच्चा डेड हो गया है। तो इस तो बाद उन्होंने सानू एक गल कही है कि ट्यूजडे में इसका पोस्टमार्टम होगा। जदों असी उन्होंने ये सवाल किया कि शूटर कौन हैगा तो उन्होंने कहा भी असी उन्होंने अरैसट कर लिया। मैं अगर क्वेश्चन किया कि वो इंडियन है, वह कहते नहीं है जी साड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, असं ये नहीं दस सकते। इन्नी गल हुई है जी।
उस तो बाद असं अपने रिश्तेदार का उन्होंने जिस रिश्तेदार को बच्चा भेजा सगा उन्हों दोवे जण के नाम ले लड़के की मासी का तो उन्होंने मास्टर जी का उदों उन्होंने सानू दसिया कि मासी भी नाल सी ते ओ जख्मी है वो सर्जरी हो रही है असी वो हसबेंड का दसिया भी वह गमदूर सिंह है वह भी साडा बच्चे का मास्टर लगता है भी जां साडी वो हैल्प कर सकता है साडा कनेडा विच होर कोई नहीं है तो कह लगे गमदूर सिंह भी तुहाडे नाल गल नहीं कर सकूगा उस वेले सानू उन्होंने नहीं दसिया गमदूर सिंह नूं अरैसट कीता ये गल्लां सानू बाद विच बच्चे दे दोस्त तो पता लगे हुण साडी मदद करन वाला तो उधर बस बच्चे दे दोस्त ही ने होर साडा कोई उधर रिश्तेदार नहीं है हुण तां साडी कनेडा सरकार नूं ते पंजाबी भाईचारे नूं इही रिक्वेस्ट हैगी भी वह उस बंदे नूं वध तों वध सज़ा दवाउण ते बच्चे की डेड बॉडी इत्थे भेजण तक साडी मदद करन क्योंकि जो इस बच्चे दे माँ बाप बच्चे ने गे सिर्फ प्राइवेट नौकरी करते हैं गरीब परिवार नाल बिलोंग रखते हैं बच्चा माता गुजरी स्कूल विच पढ़िया जी 8th क्लास तक इंटैलीजेंट बहुत सीगा तो इसकी मम्मी के रिश्तेदार चंडीगढ़ रहिंदे सी उन्होंने सलाह दी कि चंडीगढ़ इसनूं वधिया स्कूल विच पढ़ाओ चाहे तुसीं किन्ने भी औखे हो लो तो इन्हें कल्ली ने मतलब उत्थे अपने रिश्तेदार की सपोर्ट करके उस बच्चे चंडीगढ़ पढ़ाया उतों ही उन्होंने आईलैट्स करवाया तो एडमिंटन के एक रिश्तेदारी होने करके भी मासी मासड़ एको तो कॉलेज बहुत वधिया सीगा भी उस कॉलेज में PR वगैरह जल्दी हो जाती है तो एडमिशन जरूर औखी मिलती है पर उत्थे इच्छा सी इस करके हर हीला वरत के उसनों मतलब मेहनत करके उत्थों तक पहुँचाया हाँ जी वो दसंबर च आ दसंबर उस दो साल हो गए थे उत्थे पहुँचे तो दो साल ही वो स्टडी खत्म हुई हुए ने गे हुण दो महीनों तो वह कम कर रहा है अपनी 1.5 महीना उसने कमाई करके लाइसेंस लिया गड्डी का पहली बार चाहता लाइसेंस क्लीयर हो गया ड्राइविंग का तो उस तो बाद उसने सैकेंड हैंड $1600 की गड्डी ले ली अपनी ब्लैक कलर की लेंसर दी ली है उसने पिछले सैटरडे ही ली है 6वें दिन ये घटना हो जाती है देखो सानू पुलिस वाले वालों जा तो नहीं पता लग्या पर वह लड़की रिश्तेदार होने करके रिश्तेदारों तो पता चलेगा कि 10:30 बजे उसने लड़के को कॉल की हैगी भी मैनू तेरी हैल्प की लोड़ है ये बच्चा कम छड़ के अपने ओनर नूं कह के कि मैं हुण ही वापस आया तो वह मासी की हैल्प लई चला गया पर मासी उसनों अगे अपनी ननाण के घर लेगी क्योंकि वह अपने घरों गुस्से होकर उस घर गई हुई सी तो सुबह जो मॉर्निंग हुई तो उसने इस बच्चे ये कहा कि मैं अपने बच्चे चकने उतों भी तेरा मास्टर बच्चों मारन की धमकी दे रहा है बच्चे पता नहीं वह क्यों नहीं लै सकी इस गल का नहीं पता है जाने कि ये गड्डी के पिछे ये हसबेंड ने गड्डी लाई है तो कोई उत्थे पार्क बुड पता नहीं कि रोड दस्सेगा शेर बुड पार्क उस रोड से जाके उसने गड्डी का थोड़ा जहा फांसला होना गड्डी पंक्चर किया है अन्नेवा गोलियां चलाईया ने तो इस बच्चे की एट द स्पॉट डैथ हो गई है जिहड़ी उहदी घरवाली हैगी लड़के की मासी उहदे थोड़ियां बहुतियां गोलियां लगियां सीगियां जो कि वह हॉस्पिटल दे विच जाके उहदी सर्जरी होगी तो वह ठीक ठाक है देखो जी साडा उधर रिश्तेदार तो उही सीगे वह हुण खुद ही मतलब क्रिमिनल ने गे इसलिए साडे तो हुण बच्चे दे दोस्त ही ने गे जिहड़े कोई पैरवाई करनगे होर साडा रिश्तेदार तो उधर कोई है नहीं गा तो असी तो हुण सरकार नूं कनेडा सरकार नूं ते जां उत्थों दे पंजाबी भाईचारे नूं अपील करदे आ भी साडे बच्चे की डेड बॉडी जरूर भारत लिआउण विच साडी मदद कीती जावे ये बच्चा मेरी भतीजी का लड़का सी ते ये कनेडा पढ़न गया होया सी तकरीबन 2 साल पहला इत्थों पढ़न वास्ते उत्थे भेजा सी उत्थे अपनी मासी दे कोल ते मासड़ कोल गया सी इहदे मासड़ ने उसका कतल कर दिता ये उन्हां कोल भेजा सी उन्हां दी देखभाल वास्ते बच्चे की देखभाल वास्ते उन्हां कोल भेजा गया सी पर उन्होंने बच्चे ने दा कतल कर दिता ये बच्चे इन्हां दे अकलौता बच्चा सी जी ये 19 साल 8 महीने बच्चे की उम्र सी इन्होंने बड़ी मेहनत दे नाल ये बच्चे नूं पढ़ाया सी पढ़ा लिखा के सारिया फीसां भर के इन्होंने बच्चा कनेडा भेजा सी भी जो पढ़ के कमाउण वास्ते इन्हां दे कोले आऊगा इन्हां नूं सहारा बनू अज ये बच्चे दे जाण नाल इन्हां दा घर अनाथ हो गया ये बच्चे दे नाल ये परिवार बिल्कुल डुब गया जी ये कहानी का हजे पूर्ण तौर पर पता नहीं लग्या उतों पुलिस ने इनफोरमेसन दी थी शुक्रवार की रात को कि तुहाडा बच्चा हरमन सिंह पठल उहदी डैथ हो चुकी है गोली नाल मौत हो गई है असी भारत सरकार नूं ते कनेडा सरकार नूं बेनती करदे हां कि उस बच्चे की लाश नूं सही सलामत भारत पहुँचाया जाए ता जो कि उहदी सही रीति रिवाजा नाल संस्कार किया जाए तो माँ प्यो उसके बच्चे नूं सारा परिवार उसनूं देख लैण जिहड़े दोषी ने उसनूं सख्त सख्त सज़ा दित्ती जाए उसनूं फांसी की सज़ा भी दे देवे कानून असी उस सरकार का बहुत धन्यवाद करांगे।